आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते बड़ी खबरों की ओर। त्रिपुरा में 25 साल के लेफ्टराज को खत्म कर सत्ता पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने आज शपथ ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब देव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा जिष्णु देव वर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि ये पहली बार हुआ है कि त्रिपुरा में किसी सरकार ने इस प्रकार खुले मैदान में शपथ ली हो। त्रिपुरा में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में की। पीएम ने कहा कि आज त्रिपुरा में फिर से एक बार दिवाली आई है। पीएम बोले कि देश में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। त्रिपुरा उन्हीं चुनावों में से एक है जिसकी चर्चा भविष्य में भी होती रहेगी। त्रिपुरा के नागरिकों ने ये इतिहास रचा है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके टीडीपी के दो मंत्री अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी के इस्तीफे को पीएम मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इन दोनों ने कल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंपा था। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्य प्रधानमंत्री खुद देखेंगे। देश भर में रेडीमेड कंपनियों के लिए मशहूर कंपनी ने 5,000 रुपए का घोटाला करने के बाद बैंकों ने इसे दिवालिया घोषित करने की अर्जी दी है। रीड एंड टेलर ब्रांड से कपड़े बनाने वाली कंपनी के प्रमोटर नितिन कासलीवाल को बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। बैंक कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए कोर्ट में चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए लीविंग विल को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक विधायिका की तरफ से इस पर कानून नहीं लाया जाता तब तक कोर्ट की गाइडलाइन ही मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेकिन सशर्त लीविंग विल से पहले मेडिकल बोर्ड और घर वालों की मंजूरी जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की 3 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को शुरू होगी। हालांकि आज रात तक वे भारत पहुंच जाएंगे। यात्रा के पहले दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी। वहीं यात्रा के दूसरे दिन मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कल रात एक रसायन फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद लगी भीषण आग में 3 लोग मारे गए जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के रामदेव केमिकल्स में हुआ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोनिया ने कहा है कि 2019 में उनकी पार्टी का मुख्य मुद्दा मोदी सरकार द्वारा किए गए वादे होंगे। सोनिया ने कहा कि अच्छे दिन का हाल भी इंडिया शाइनिंग जैसा ही होगा। INX मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। कार्ति ने हाईकोर्ट में दायर पिटीशन में कहा था कि 9 मार्च को CBI रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई। दीपू शर्मा के मुताबिक बठिंडा जिला प्रशासन ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम SSG गर्ल्स कॉलेज में किया गया। इस मौके पर DC बठिंडा में शहर की खिलाड़ी और मेहनतकश महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर SDM साक्षी साहनी ने बताया कि ये कार्यक्रम उन महिलाओं को समर्पित किया गया जिन महिलाओं को जिंदगी में संघर्ष कर अपना मुकाम हासिल किया है और इसमें पीनल डिस्कशन भी किया गया। ये प्रोग्राम जो है ये उन्हें औरतों को सम्मानित ते ऑनर करन लई है जिन्होंने अपनी जिंदगी दे विच इन्ने ऑब्सटिकल्स दे बावजूद अगे वधिया हन। वो सारी सोसाइटी लई रोल मॉडल हन। ते खास इत्थे एक पैनल डिस्कशन भी कराई जा रही है जिहड़े लोकां दे तमाम क्वेश्चन हुंदे हैं औरतां दे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन हुंदे हैं कि किवें आपां विमेन दा जिहड़ा दर्जा है सोसाइटी दे विच अगे वधाईए। ओहदा भी एक पैनल डिस्कशन ओपन पैनल डिस्कशन कराया जा रहा है जिहदे विच असी वख वख वॉक्स ऑफ लाइफ तो लोग बुलाए हुए हैं। वकील साहिबान भी हैं, DC सर हैं, ADC मैम हैं, प्रोफेसरस हैं। सो साडा ये मंतव है कि सोसाइटी दे विच आप एक उपराला सोसाइटी आप करे। ये ना हो कि आप सिर्फ प्रशासन वालों एक टॉप डाउन अप्रोच करिए बट एक मिलजुल के रल मिल के आप सोसाइटी दे विच औरतां दा स्टेटस जिहड़ा है अगे वधाइए। मैं तो बस मतलब जिवें मैं स्पोर्ट्स करदी हाँ तो मतलब जेड़ा जेड़े भी मतलब जो भी करदे आ मतलब कई स्पोर्ट्स हुंदे आ हरेक से एक क्वालिटी हुंदी आ मतलब वो कुछ भी करन जिवें मैं स्पोर्ट्स करदी हाँ की पता कि की क्वालिटी है पर उस इंसान को पता हुंदा की क्वालिटी है उस दे विच वो इंसान आपकी क्वालिटी बाहर कढ़े है ना कुछ भी कर सकता। बाकी जिवें कहा सीगा भी जे बंदे की इच्छा वो कुछ भी कर सकता। मैं कहनी हाँ जिहदी हमारे संवाददाता दीपू शर्मा ने बताया कि बठिंडा के बंगी नगर इलाके में एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी से 2 साल तक लगातार बलात्कार करते रहने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक जब वो 13 साल की थी तब से उसका पिता उसका यौन शोषण कर रहा था और उसको डरा धमका कर रखता था। वहीं पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी पिता पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
क्या कहना चाहोगे आप, क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको यहाँ आए उठाने में? हाँ, इंसाफ चाहिए। क्या करते हैं पापा आपके, काम क्या करते हैं? सट्टा देते हैं। अच्छा, मम्मी को कितनी देर होगी डेथ हुई कमरे को? 7 साल हो गई। कितने भाई बहन हो आप? हम हस्पताल दाखिल हो गए तो सूँ यदि इनफॉरमेशन आई वो भैन के तो वो बयान से अभी फादर के खिलाफ केस रजिस्टर करता और यह भी प्रूव होया भी जो शोषण करता सी। अच्छा, ये जो है जस्टिस फॉर आल ऑर्गेनाइजेशन जी है वह भी बड़ा अहम रोल गया, उन्होंने भी ये बहुत लीडिंग इनपुट सी। बठिंडा में आंगनवाड़ी वर्करों ने वित्त मंत्री के दफ्तर के बाहर अपना धरना जारी रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों ने विशाल रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर यूनियन के प्रधान ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने ना तो उसके सेंटरों में अब बच्चे वापसी भेजे हैं और न ही उन्होंने बिल्डिंग के किराए दिए हैं। इसी कारण वो पिछले 38 दिन से वित्त मंत्री के दफ्तर के बाहर धरने पर डटी हुई है। हाँ जी, असं अज ये महिला दिवस को काले दिवस के रूप से ता मना रहे हैं कि पंजाब की सरकार पिछले 40 दिनों तो असं संघर्ष कर रही हैं। बच्चे साढ़े खोले साढ़े साढ़िया तनखावं नहीं वधाई जा रही, पूरे हिंदुस्तान वर्कर तनखावं वध रही, साढ़े नाल दिन स्टेटा ने तनखावं वधाती। मनप्रीत बादल तो कैप्टन की सरकार साड़ी गल सुनने की बजाय गुंडागर्दी कर रहे हैं, सानू कटवा रहे हैं पुलिस को। असी राहुल गांधी तक शिकायत भेज चुके हैं, सोनिया गांधी तक शिकायत भेज चुके हैं, अज असी सोनिया गांधी का भी पुतला साड़ रहे हैं कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी पंजाब की सरकार नू क्यों नहीं कह रहे कि औरतों से जुल्म हो रहा तो तुसी इन्हां नू रोको। सो असी साड़ी लड़ाई जिहड़ी असी अज यही कहना चाहवांगे कि वोमेन डे जिहड़ा सरकारी ड्रामा हो रहा है, औरतां असी आ जिहड़ियां ने औरतों लई काम कीते है, असी सड़कां ते रुल रही हैं ते सरकार ड्रामे कर रही है, असी कालियां झंडियां लैके मार्च कर रही हैं, गुट पै रही है, सानू साडे अधिकार चाहीदे है। वोमेन डे का मतलब ही औरतों के हकों की लड़ाई है। डस्क प्रोजेक्ट है, डिविजन है, वो NGO तो हटा के जिहड़ा सरकार अपने कोल रख ले। 2.5 साल तो जिहड़ा रेंटल नहीं दिता जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर का, वो दिता जाए, पेमेंट उन्होंने टाइमली नहीं मिल रहा, वो पेमेंट टाइमली मिले। राशन जड़ा है उसका शॉर्टफॉल है, वो राशन समय सिर मिले। भारत ने पाकिस्तान को इस बार स्पेशल टेररिस्ट जोन कहा है। भारत ने ये टाइटल पाक के लिए जेनेवा में जारी यूनाइटेड नेशंस राइट्स काउंसिल के सम्मेलन में दिया। इरफान खान की हिंदी मीडियम फिल्म जल्दी चीन में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 4 अप्रैल को चीन में रिलीज होगी। इरफान खान और सबा कमर की फिल्म हिंदी मीडियम साल 2017 में रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म ठीक एक साल बाद चीन के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबर देखने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।